ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। खबर भोपाल से है। जात पात और भेदभाव की करो विदाई, हम सब आपस में हैं भाई भाई। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने राजधानी में पूर्व मंत्री संजय पाठक के निवास पर पत्रकारों से चर्चा में कहा कि हमें जात पात और भेदभाव को जड़ से मिटाना है, क्योंकि ये समाज के लिए एक जहर है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, हम ब्राह्मण हो सकते हैं, वैश्य हो सकते हैं, कायस्थ हो सकते हैं, तो क्या हिंदुस्तानी नहीं हो सकते? हमें हिंदुस्तानी बनना होगा, क्योंकि आज का जो समय है उसमें सनातन धर्म को मानने वालों की संख्या तेजी से घट रही है। आज हम 90% से 80% के नीचे आ गए हैं, जबकि इस्लाम धर्म को मानने वाले 6% से बढ़कर 22% तक पहुंच गए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि आज इस्लाम के कई देश हैं, ईसाइयों के कई देश हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए मात्र एक हिंदुस्तान है और यहाँ जन जागृति लाना बहुत जरूरी है। इस उद्देश्य से 21 नवंबर से 29 नवंबर के बीच वह रामराज पद यात्रा निकालने जा रहे हैं। तो बटेंगे पे जो चल रहा है, बटेंगे तो कटेंगे को लेकर के लगातार मुंबई में भी अब निमंत्रण छप रहे हैं शादी के, उसमें भी लिखा जा रहा है कि कटेंगे तो बटेंगे। बिल्कुल कटेंगे तो देखिए, एज ए किसी भी राजनेता के ऊपर हमने ना आज तक टिप्पणियां की है, ना कोई जवाब दिया है। हमारे स्वभाव में है, क्योंकि हमारा रास्ता एक अलग है, आध्यात्मिक रास्ता है। पर अगर वो एज ए मुख्यमंत्री, जो माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, अगर उन्होंने महात्मा होने के नाते ये नारा दिया, कट्टर हिंदू होने के नाते, बहुत अच्छा दिया। लोगों ने अपने अपने दृष्टि से देखा, हमने इसको ऐसे देखा कि अगर हम भारतीय आपस में बटेंगे तो चीन वाले हम लोगों को काटेंगे, पाकिस्तान वाले हम लोगों को काटेंगे, हम लोगों को विदेशी ताकतें काटेंगे, और सही भी है। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री ने कहा एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। पर एजे अगर कोई पॉलिटिकली बयान कहो तो इस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं, पर हिंदुस्तानी होने के नाते ये टिप्पणी है कि हम भारतीयों को बटना नहीं है, बटेंगे तो सच में। लेकिन घुसपैठियां लगातार आ रहे हैं, घुसपैठियों को लेकर के भी चर्चा चल रही है कि घुसपैठियों को बाहर करना चाहिए, लेकिन झारखंड में सिलेंडर देने की बात हो रही है कि उन्हें सिलेंडर दिए जाएंगे। देखिए, एक सबसे बड़ी इस देश की दिक्कत है, इस देश में बहुत प्रायोजित तरीके से षड्यंत्र चल रहा। विधर्मी लोग जिन्हें हिंदुत्व से प्यार नहीं, जिन्हें वंदे मातरम बोलने से दिक्कत है, जिन्हें राष्ट्रगान गाने से दिक्कत है, जिन्हें गजवाई हिंद चाहिए, वो लोग अपनी संख्या बढ़ा रहे, बच्चे भी ज्यादा पैदा कर रहे, और विदेशों में उनके रहने वाले इष्ट मित्र बांग्लादेश, अगल बगल रोहिंग्या, उनको बुला बुला करके भारतीय नागरिक बना करके वोट बैंक को बढ़ाकर अपनी सत्ता जमाना चाहते हैं। इसलिए भारत की सरकार को, हमको और आपको इसी वक्त जगना पड़ेगा कि हम विदेशी शरणार्थियों को, उन विधर्म देश विरोधियों को देश में पनाह नहीं देंगे। प्रयागराज में कुंभ होना है, ये चर्चा होने लगी है। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जात पात और भेदभाव को जड़ से हमें मिटाना है, हमें भारत भव्य बनाना है। इसी विषय को लेकर हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को हिंदुस्तानी होने का गर्व हो, इस बात को पुष्ट करने के लिए, इस देश का सबसे बड़ा जहर है जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, और गांव गांव में ये रूढ़िवादिता बहुत है, गांव गांव में अंधविश्वास बहुत है। एक जन जागृति संकल्प को लेकर के हमने विचार किया कि सब लोग हमसे मिल पाते हैं, पर हम बिछड़े और पिछड़े लोगों से नहीं मिल पाते हैं। इस देश में कोई भी लड़ाई होती है तो या तो ये ब्राह्मणों से होती है, या क्षत्रियों से होती है, या वैश्यों से होती है, या शुद्ध वर्ण से होती है, कोई भी हिंदुस्तानी से नहीं होती। ना कोई हिंदू बनने को तैयार है, ना हिंदुस्तानी बनने को तैयार है। आने वाले 10-20 साल बाद एक ऐसा समय आएगा कि हम 90% से 80 के नीचे आ गए, और वो लोग मतलब इस्लाम धर्म के लोग अपनी जनसंख्या इतनी तेज से बढ़ा रहे हैं कि वो लोग 6% से 22% के ऊपर पहुंच गए। धीरे धीरे हम भारत में अल्पसंख्यक होंगे। लगभग 65 देश हैं इस्लामों के, 95 से ज्यादा देश हैं ईसाइयों के, पर पूरी दुनिया में एक भी ऐसा देश नहीं है जो हिंदुओं के लिए हो। सुरिनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, नेपाल, फिजी, मॉरिशस, इन देशों में रहने वाले हिंदुओं पर वहां की सरकार अगर अत्याचार करती है, आज जैसे कनाडा में कर रही है, और अगर उनको भगा दिया जाता है, तो हिंदुओं के लिए एक भी जगह नहीं है जहां वो सुरक्षित रह सके। इस बात को लेकर के अब हमने ठाना है 21 नवंबर से 29 नवंबर तक हिंदुओं को जगाने के लिए हम 160 किलोमीटर की राम राजा ओरछा तक बागेश्वर धाम से पद यात्रा कर रहे हैं। बिछड़े और पिछड़े लोगों को गले लगाएंगे और हम भिक्षा मांगेंगे कि हिंदू एक हो जाओ और हम सब हिंदू एक हैं,
इस बात की भिक्षा मांगेंगे, शेष आपके जो भी प्रश्न हो यात्रा से संबंधित अथवा जो भी आपके मन में भाव हो पूछ सकते हैं। किसी ने कहा है कि भगवाधारियों को राजनीति नहीं करना चाहिए, सूट बूट वालों को करना चाहिए। क्या गजब के उल्लू हो आप भी, बलात्कारी कर सकते हैं, बलात्कारी कर सकते हैं, दुराचारी राजनीति कर सकते हैं, भगवाधारी नहीं कर सकते। क्या गजब की मानसिकता है, बलात्कारी कर लें, दुराचारी कर लें, जो करप्ट हैं वो लोग राजनीति कर लें, राजसत्ता के भोग भोग लें, भगवादारी आ जाएगा तो क्या है? हम तो कहेंगे मठों में, मंदिरों में, गुफाओं में बैठे हुए जितने महात्मा, हमें नहीं आना है ये पहले सुन लो, पर मठ मंदिर गुफाओं में बैठे हुए जितने महात्मा हैं उनको राजनीति में आना चाहिए। इसलिए आना चाहिए कि सनातन के साथ अगर वो राजपीठ पर बैठेंगे तो हिंदुत्व का प्रचार होगा, देश में नया विचार होगा, नई क्रांति होगी और सामाजिक समरसता के साथ साथ वसुदेव कुटुंबकम की दृष्टि से राजनीति जयपुर में बैठे थे, हवाई जहाज उड़ने के पहले उनके बिल में दिक्कत आ गई, चलो झंझा उतर की जहाँ जाना था नासिक वहाँ गए नहीं, सो भोपाल आ गए तुम लोगों की गुजली मिटाने के लिए। शिक्षा का मुद्दा है, इस देश में जात पात का मुद्दा है, इस देश में अंधविश्वास का मुद्दा है, इस देश में हम जहाँ क्षेत्र में रहते हैं वहाँ हॉस्पिटल नहीं है, सड़कें नहीं है, पानी नहीं है, ये दिबवाओ। संविधान का भी मुद्दा बता रहे हैं लोग, संविधान का ऐसे तो बहुत मुद्दे हैं, एक आध तो पूरा करके बतवा दो तुम पहले। बीसीसीआई ने फैसला लिया है कि जो चैंपियनशिप है क्रिकेट की, इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, किस तरह से देखते हैं? अब देखिए पाकिस्तान इसलिए नहीं जाएगी, बेचारे भिकमंगे हैं, उनकी हालत ठीक नहीं है, कल के दिन खान पान व्यवहार ठीक ना हो पे तो अपन बेइज्जती करने थोड़ी जाएंगे, भूखे मारने थोड़ी जाएंगे, ठीक निर्णय लिया है। पाकिस्तान क्यों जाए, क्या जरूरत है? उसने हर बार धोखा दिया है, हर बार उसने वादे तोड़े हैं, कितने समझौते नहीं हुए, हर समझौते को उसने तोड़ा है, जितने समझौते हुए सब तोड़े हैं, क्या ठिकाना हमारे यहाँ के उन लोगों को भी किडनैप कर ले, उनका कोई ठिकाना नहीं है, भरोसा नहीं है, पहले वो भरोसा जीते शरण में आवे, इसके बाद अभी वो दूसरे के दम पे जिंदा है, चीन के दम पे जिंदा है, पहले वो भारत की शरण में आवे, इसके बाद में देखा जाएगा। थैंक यू। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।